निर्माण मोहा हित संग दोष अध्यात्म नित्वा विनिर्वृत्त कामा द्वंद्वय विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोहरहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक में भगवान भगवत धाम में प्रवेश करने की योग्यता का वर्णन कर रहे हैं। भगवत धाम में प्रवेश करने के लिए जिन योग्यताओं की आवश्यक है, उन योग्यताओं का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। पदम अव्ययम का अर्थ शाश्वत पद। भगवान के श्री चरण कमलों की प्रेममयी सेवा ही वही परम पद होता है। भगवान के धाम में भगवान के चरण कमलों की जो प्रेममयी सेवा है, वो सेवा प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम भगवान के चरण कमलों में शरणागत होता है, होना पड़ता है। और शरणागत होने से ही ये योग्यताएं, इन गुणों का विकास होगा, उनमें इन योग्यताओं का विकास उतने मात्रे में होती है। भगवान का शरण ग्रहण करना प्रोसेस तो बहुत सरल है, पर करना व्यवहारिकता में उसको अपनाना उतना सरल नहीं है। विधि बहुत सरल है, पर उसको व्यवहारिकता में प्रयोग करना आसान नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा है, डिवोशनल लाइफ इज वेरी सिंपल, बहुत सरल है, बट नॉट इजी, पर आसान नहीं है। तो भगवान के चरणों में शरणागत होने की विधि, छह विधियां है, द्वैन आत्मनिवेदन, गोत्रित्व वरण, अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, षडंग शरणागति होइबे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो ये छह शरणागति की जो विधि है, इन विधियों का पालन करने से भगवान के चरण कमल में, श्री कृष्ण के चरण कमल में वास्तविक शरणागत हुआ जाता है। जीव आत्मा जब तक स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के मिथ्या अभिमान से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक इन विधियों का अनुशीलन करना आसान नहीं है। जब तक जीवात्मा स्थूल शरीर के अभिमान और सूक्ष्म शरीर के अभिमान, बद्ध जीवों में दो प्रकार के अभिमान है। स्थूल शरीर की अभिमान मतलब स्थूल शरीर से संबंधित जो कुछ है, उन सभी के अभिमान, गर्व, घमंड। और सूक्ष्म शरीर की अभिमान क्या है? स्थूल शरीर की अभिमान, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं धोनी हूँ, है ना? ऐसा ये जो अभिमान या स्थूल शरीर के अभिमान, जैसे कि मैं सुंदर हूँ, मैं विद्वान हूँ, ये सभी स्थूल शरीर के अभिमान है। और इसके साथ साथ बद्ध जीवों में सूक्ष्म शरीर की अभिमान भी होता है।
और ये सभी मिथ्या अभिमान है। सूक्ष्म शरीर की अभिमान, जैसे कि जब कोई सम्मान कर सम्मान की जब सम्मान लाभ पूजा प्रतिष्ठा से जो गर्व जो अभिमान उत्पन्न होता है, किसी को जीवन में सफलता प्राप्त होती है तो उसका अभिमान सूक्ष्म शरीर में अभिमान यह रहता है। कोई उनका सम्मान करते हैं तो इसके कारण उस सम्मान के कारण सूक्ष्म शरीर में मन में चित्त में एक अभिमान उत्पन्न होता है ना। तो इस प्रकार के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के अभिमान मिथ्या अभिमान में जब तक वो ग्रसित रहता है प्रमत्त रहता है तब तक वो शरणागति की इन छह विधियों को अनुशीलन नहीं कर पाएगा। और जब तक इन छह विधियों का अनुशीलन न करे तब तक पूर्ण शरणागत नहीं हो पाएंगे। ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर के अभिमान के कारण ही बद्ध जीव इस भौतिक प्रकृति की प्रकृति को भोग करना चाहता है। भोग प्रवृत्ति इस अभिमान से आता है। इस अभिमान के कारण भोग प्रवृत्ति उत्पन्न होता है और इस भौतिक प्रकृति पर वो अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। ऐसे स्थिति में वो भगवान अथवा भगवान के भक्तों की अवज्ञा करते हैं, शास्त्र के आदेश उपदेशों को स्वीकार नहीं करता, किंतु सांसारिक जीवन में भले ही वो ऐसे सम्मानीय तथा सूक्ष्म स्थूल शरीर के अभिमान से वो यद्यपि वो प्रमत्त रहता है पर इस भौतिक संसार में भौतिक प्रकृति के द्वारा दी गई क्लेश को भोगते भोगते जब उनका इस ज्ञान का उदय होता है तब इस ज्ञान का जब उदय होगा, जब तक इस ज्ञान का उदय न हो तब तक उनके लिए शरणागत होना संभव नहीं। संसार में भौतिक संसार में माया का लत्ते खते 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 जब उनका इस ज्ञान पर उदय होता है कि यह भौतिक प्रकृति संसार में केवल दुख ही दुख है, तब भगवान की कृपा से यह अनुभव करने लगता है कि प्रकृति के स्वामी मैं नहीं हूँ, भोक्ता मैं नहीं हूँ, भोक्ता भगवान है। तब इस बात को वो अनुभव कर पाएगा और जब कृष्ण को भोक्ता के रूप में अनुभव कर पाएंगे कि परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही वास्तविक भोक्ता है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ भगवान की प्रकृति के द्वारा हो रही है, ऐसे जब ज्ञान का उदय होगा तभी वो श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत होंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भ्रमिते भ्रमित जब साधु बौद्ध पाए, अनंत ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण चौरासी भ्रमण, अनंत ब्रह्मांड में अनंत जीव आत्माओं 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। वैसे भ्रमण करते करते जब साधु बौद्ध का संग प्राप्त हो जाता है, भ्रमिते भ्रमिते यवे साधु बौद्ध पाए, तबे से जीव निस्तरे माया ताहारे छाड़े, तब उस जीव का निस्तार होता है, माया देवी उन्हें छोड़ देते हैं। ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवन,
और तब जब वो कृष्ण का भजना करने लगता है, श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित हो जाता है, गुरु के आदेश उपदेशों का पालन करने लगता है, तब माया देवी उनको छोड़ देते हैं। ताते कृष्ण भजे करे गुरु र सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण, तब कृष्ण के चरण में स्थान प्राप्त करेगा। तो जीवन मृत्यु, जन्म मृत्यु, जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश, ये सब कुछ भगवान के हाथों में है। और यह स्थिति भगवान, यह भौतिक संसार में हमें इन स्थितियों को जो प्राप्त हो रहा है, ये मेरे ही कर्मों के कारण है। इस प्रकार से जो वो पूर्ण शरणागत होंगे, मैं भगवान के हाथ के कठपुतली मात्र हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ, तब वो शरणागति की भाव आएगा। पर जब तक भोक्ता भाव हो, तब तक वो शरणागत नहीं हो सकते। तो इस तथ्य को हृदयंगम करके भगवान के चरणों में शरणागत जब होंगे, तब इस श्लोक में भगवान ने जिन योग्यताओं का वर्णन किया, वो योग्यता स्वतही विकसित होगा, स्वतही विकसित होगा। ऐसा नहीं कि इन योग्यताओं को विकसित करने के लिए हमें कोई अलग से कुछ विधि, अन्य विधि प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, ऐसी बात नहीं। हमें भक्ति, भगवान की प्रेममयी सेवा में नियोजित होना है, और भक्ति के प्रभाव से ही इन योग्यताओं अपने आप स्वतही विकसित होगा। तो उस समय भक्ति अनुशीलन का मार्ग उनके लिए और प्रशस्त हो जाता है। आज के दिन में भगवत विमुख मनुष्य व्यक्ति यह समझता है कि यदि उन्हें धन प्राप्त हो जाए तो वो इस संसार में सुखी हो जाएगा, उसे धन प्राप्त होने से वो सुखी होगा। परंतु वास्तविकता यह नहीं है। मानव समाज में सुख समृद्धि प्राप्ति का एक ही उपाय है कि श्री कृष्ण की शरणागति। तो इस भ्रांत धारणा से जब तक वो मुक्त न हो, तब तक हमें प्रवेश करने के लिए भगवद गीता के इसका आगे चलकर भगवान बताएं, भक्ता माम अभिजानाति जवान जस्चास्मि तत्त्वतो माम तत्त्वतो गत्वा विश्वते तदनंतरम्। ये भक्ति के द्वारा ही उनके धाम में प्रवेश किया जा सकता है। तो इसीलिए इस श्लोक में जिन दिव्य गुणों के बारे में बताया गया, निर्माण मोहा, नी शब्द का अर्थ नहीं, मान मतलब सम्मान, यानी सम्मान पाने की इच्छा, इस भौतिक संसार में झूठी सम्मान पाने की इच्छा जिनका ना हो, निर्माण, निर्मोह, मोह से मुक्त। मोह का अर्थ क्या है? मोह का मतलब अनित्य विषय को, अनित्य वस्तु को, अनित्य संबंध को नित्य संबंध मानकर उसके प्रति आसक्त होना, इसको मोह कहलाता है। जिन वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के प्रति हमारा अनित्य संबंध है, कुछ समय के लिए संबंध है, टेम्पोरारी है, चाहे वो कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो या स्थान हो या कोई कार्य हो, जिन कुछ किसी भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, स्थान आदि के प्रति जिनके प्रति हमारा अनित्य संबंध है, उस अनित्य संबंध को नित्य समझकर, नित्य संबंध समझकर उसके प्रति आसक्त होना ही मोह कहलाता है, इसी को मोह कहलाता है।
तो निर्मोह मतलब यही है, मोह से मुक्त, यानी अनित्य संबंध को नित्य संबंध मानना नहीं चाहिए और न ही उसके प्रति आसक्त होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को निर्मोह मोह मुक्त कहा जाता है। और यह योग्यता भगवान के चरणों में शरणागति से ही प्राप्त होगा। निर्माण मोह जित संग दोष, संग दोष से मुक्त होना, संग दोष से मुक्त। संग दोष क्या है? असत संग, इसी को संग दोष कहा गया है। संग दोष का अर्थ असत संग से दूर रहना। जित संग दोष, असत संग यानी ऐसे व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का संग न करना जो जहां आत्म अनुशीलन में, जित संग दोष आत्म अनुशीलन, आत्म कल्याणकारी आत्म अनुशीलन से जिसका कोई संबंध नहीं है, आत्म कल्याण के साथ जिसका कोई संबंध नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से जिसका कोई संबंध नहीं है, ऐसे स्थान वस्तु काल व्यक्ति किसी भी का संग हो तो उसको असत संग कहलाता है। असत संग से दूर रहने के लिए हमें वैष्णव आचार आचरण को अनुसरण करना चाहिए। जब व्यक्ति वैष्णव की सदाचार को पालन करता है तो वो असत संग से स्वाभाविक रूप से दूर रहेंगे। पर जो व्यक्ति वैष्णव के सदाचार, वैष्णव के आचार आचरण जीवन में ठीक से पालन नहीं करेगा, वो चाहकर भी असत संग से दूर नहीं रह पाएंगे। इस बात को हमें समझना होगा। आप कहां हो वो बड़ी बात नहीं है। आप भगवान के धाम में हो, मंदिर में हो, किसी ऐसे शहर में हो, या कैसे भी किसी भी स्थान पर आप क्यों ना हो, वो मान्यता नहीं रखता। यदि व्यक्ति वैष्णव आचार आचरण को पालन करता है तो स्वाभाविक रूप से असत संग से दूर रहेंगे, चाहे वो कहीं भी रहे। परंतु वो कितना ही पवित्र धाम में रहे, मंदिर में रहे, भक्त परिवार में रहे, या कहीं भी रहे, यदि वो वैष्णव आचार आचरण को पालन न करेंगे तो उनका असत संग से वो दूर नहीं हो सकता। वो असत संग में पड़ेंगे ही। तो इसीलिए हमें सदैव वैष्णव आचार आचरण को कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए, जिससे हम असत संग से मुक्त दूर रह सकेंगे। तो जीत संग दोषा, संग दोष से मुक्त होना, इसका तात्पर्य यह है। यदि हमें संग दोष से मुक्त होना है तो हमें क्या करना होगा? वैष्णव आचार आचरण को कठोरता से पालन करना होगा, तो हम असत संग के दोष से मुक्त रहेंगे। जीत संग दोषा अध्यात्म नित्ता, नियमित रूप से, नियमित रूप से आत्म कल्याण के अनुशीलन में तत्पर रहना, इसी को कहते हैं अध्यात्म नित्ता। आध्यात्मिक कार्यकलाप में, आत्म कल्याणकारी कार्यकलाप में तत्पर रहना, इसको अध्यात्म नित्ता कहा जाता है। जीतो संग दोषा का अर्थ इस दोष से रहित होना, आसक्ति रूप दोष से रहित होना, और उसके लिए हमें वैष्णव आचार आचरण को पालन करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार
उसके साथ साथ आत्म ज्ञान अनुशीलन में आत्म कल्याणकारी कार्यकलापों में हमें तत्पर रहना है। तत्पर का अर्थ, तत्पर रहने का मतलब ऐसे कार्यकलापों में हमें सदैव समय के पूर्व ही उपस्थित होना चाहिए कार्य करने के लिए। इसका लक्षण यह है, कौन व्यक्ति आध्यात्मिक कार्यकलापों में कितना तत्पर, इस लक्षण से पता चलता है कि उस कार्य को करने के लिए क्या वो समय के पूर्व उपस्थित हो रहा है या समय के बाद आ रहा है। इससे उनकी तत्परता को पता चलता है। विनिर्वृत्त कामा, विनिर्वृत्त का अर्थ विशेष रूप से निवृत्त होना, कामा भौतिक कामनाओं से, इच्छाओं से, वासनाओं से, अभिलाषाओं से रहित होना, विषय भोग के अभिलाषा से मुक्त होना, इसी को कहा गया विनिर्वृत्त कामा। और ये कैसे होगा, यदि हम विषय भोग में सुख के जगह दुख देखेंगे कि विषय भोग करना दुख का कारण है, तभी हम विषय भोग के प्रति विरक्त हो पाएंगे, निवृत्त हो पाएंगे। जब तक विषय के भोग में हमें सुख दिखेगा, तब तक हम भौतिक कामना से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और विषय भोग में दुख देखने के लिए हमें विषयों को एक विशेष विधि से स्वीकार करना होगा। वह विधि है क्या, जो भगवान द्वारा अनुमोदित है, शास्त्र द्वारा अनुमोदित है, ऐसे विधि से हमें विषयों को स्वीकार करना है। अपने मन की इच्छा के अनुसार प्रियता या अप्रियता के आधार पर हमें विषयों को स्वीकार नहीं करना। मन को प्रिय लगता है तो हम वह कार्य करते हैं या वस्तु को स्वीकार करते हैं, विषयों को स्वीकार करते हैं। मन को अप्रिय लगता है तो हम उसे त्याग देते हैं। ऐसे करने पर व्यक्ति भौतिक काम से मुक्त नहीं हो पाएंगे। भौतिक काम से मुक्त होने के लिए साधु शास्त्र भगवान द्वारा अनुमोदित विधि से विषयों को स्वीकार करना है। और वह विधि है युक्त वैराग्य, जो श्रील रूप गोस्वामी जी शिक्षा देते हैं। भगवान के प्रसन्नता के लिए जीवन निर्वाह के लिए इस प्रकार विधि पूर्वक जब विषयों को भोग बुद्धि से नहीं, भोग बुद्धि से विषयों को स्वीकारना ही बंधन का कारण हो जाएगा, भौतिक कामना और बढ़ जाएगा। इसीलिए विनिर्वृत्त कामा भोग की अभिलाष से मुक्त और सुख दुख संगय, सुख दुख संगय सुख तथा दुख जैसे द्वंद्व भाव से मुक्त होना। यह विमुक्त शब्द द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय, सुख दुख आदि द्वंद्व भाव से मुक्त होना। तो सुख और दुख द्वंद्व भाव, ये जो परस्पर विरोधी भाव, सुख तथा दुख परस्पर विरोधी भाव,
में व्यक्ति अस्थिर होता है, उद्विग्न होता है। इसमें भगवान यह समझा रहे हैं, भगवान के धाम में अगर प्रवेश करना हो तो ऐसे गुणों की विकास करना होगा, और जो भक्ति के विधि के द्वारा स्वतः ही विकसित होगा। तो जिसमें इस यह बात आ रहा है कि सुख दुख आदि द्वंद्व भाव से मुक्त होना, जब तक सुख दुख लाभ हानि ऐसे परस्पर विरोधी भाव द्वारा व्यक्ति प्रभावित होंगे, तब तक वो द्वंद्व भाव से मुक्त नहीं हो माने जाएंगे। द्वंद्व भाव से मुक्त होने का मतलब यही कि परस्पर विरोधी भाव तथा परिस्थितियों में व्यक्ति को स्थिर रहना, विचलित न होना, उद्विग्न न होना, इसी को कहा जा रहा है द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय। सामान्यतः व्यक्ति सुख तथा दुख दोनों में ही अस्थिर होता है, यानी व्यक्ति दुख से वो कभी कभी स्थिर रहता है, दुख को तो सहन कर लेते हैं, और दुख को सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति दुख को सहन कर सकता है। इस भौतिक संसार में अनादि काल से हम इस संसार में जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे हुए हैं, दुख हमारा नित्य साथी है, यह भौतिक संसार दुख का आलय है, अतः यह हमारा आदत है दुख को झेलना, यह जीवात्मबद्ध जीवों का आदत बन गया। तो इसलिए दुख सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है, दुख को सहन करना, दुख में स्थिर रहना बड़ी बात नहीं है। एक समझदार व्यक्ति जो आत्मकल्याण चाहता है, समझदार व्यक्ति वो प्रयास करे तो दुख दुख के स्थिति में वो स्थिर रह सकता है, परंतु सुख आने पर स्थिर रहना ये सबसे कठिन कार्य है। सुख के स्थिति में स्थिर रह पाना, हर्षित न होना, यह कठिन कार्य है। तो इसलिए सुख दुख संगय, जब व्यक्ति को कुछ नुकसान होता है वो टॉलरेट कर लेता है, पर जब कुछ लाभ होता है उस लाभ के प्रभाव को वो सहन नहीं कर पाता, हर्षित हो जाता है। ऐसा ही लाभ नुकसान, सुख दुख आदि द्वंद्व भाव में समभाव रखते हुए स्थिर रहना ही द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम् तत्, तब वो अव्यय पद को प्राप्त करने की योग्य बनता है। तो भगवत धाम में प्रवेश करने की यह योग्यताएं हैं जो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, और इन योग्यताओं का विकास भगवान की भक्ति के द्वारा ही संभव। भगवान के चरण में जब कोई शरणागत होंगे, भगवान के चरण में शरणागत होने के लिए क्या करना होगा, जो यहाँ पर बताया गया शरणागति की विधि को अनुशीलन, भक्ति की विधि को अनुशीलन करते करते इन योग्यताओं का विकास होगा, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इस संबंध में यह उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार एक 5-स्टार होटल में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति की कुछ योग्यताएं होना चाहिए,
उस योग्यता के बिना वो फाइव स्टार होटल में नहीं रुक सकता और न ही प्रवेश कर सकता है ना। प्रत्येक शहर में फाइव स्टार होटल, बड़े बड़े होटल है, फाइव स्टार, सेवन स्टार आदि, ऐसे जो होटल है, और उस होटल के गेट में लिखा रहता है आपका स्वागत है, ऐसा बोर्ड में लिखा रहता है आपको स्वागत है। एक भिखारी रास्ते में चलते समय ऐसे ही एक बड़े होटल के गेट में देखा आपका स्वागत है या लिखा देखकर, बड़े बड़े अक्षर में लिखा था, वो देखकर गेट के अंदर जाने की प्रयास किया, तब दरवान उसे रोक लिया। वो भिखारी बड़े बड़े बाल दाढ़ी और उनका कपड़ा बहुत गंदा फड़ा हुआ था, अब दरवान ने उसे रोक लिया, अंदर जाने नहीं दिया। तब वो व्यक्ति उस दरवान से सिक्योरिटी से तर्क करने लगा, कहा कि तुम लोगों को दिखाई नहीं देता, यहाँ बड़े बड़े अक्षर में लिखा है क्या आपका स्वागत है, तो ऐसा लिख के रखा क्यों, अगर मुझे रोक रहे हो तो इसको लिख, ऐसा क्यों लिख के रखा। वो भिखारी ने तर्क करने लगा, आर्गुमेंट करने लगा, अब सिक्योरिटी उन्हें समझा नहीं सके, नहीं तुम नहीं जा सकते हो, तो क्यों नहीं जा सकता, तो ये क्यों लिख के रखा, तो बोला नहीं वो तुम नहीं जा सकते हो अंदर, ऐसा करके उनको जाने नहीं दे रहे। तो गेट में शोर मच गया, हल्ला चल्ला मच गया, हल्ला चिल्ला मच गया, तो कुछ होटल कर्मी या सुनकर अंदर से बाहर आए, गेट के पास आए, आके सिक्योरिटी से दरवान से पूछा क्या हो रहा है, तब तो गेटमैन ने कहा कि देखिए ये व्यक्ति अंदर जाना चाहता है, हम इसे रोका तो हमसे तर्क कर रहे हैं, तो इस प्रकार से सभी लोग वीडियो ऑफलाइन में चले गए, तो मैं किसको बताऊं, मेरे लैपटॉप को, वो मेरे लिए संभव नहीं, मैं क्लास बंद करूंगा। अगर सभी वीडियो ऑफलाइन में जाओगे तो मेरे लिए क्लास करना पॉसिबल नहीं है। आपको आवाज आ रही है तो आप वीडियो ऑन में आइए, अदरवाइज मैं जूम मीटिंग लीव करूंगा।
जल्दी पियेंगे दो भी। हाँ ये मिला, कोई नया नया टाइम नहीं होगा ना बोला। हाँ कोई दिक्कत नहीं मेरे पास। हरे कृष्णा। मेरा नेट स्लो नहीं है। मेरा नोट तो स्लो नहीं है। मेरा वीडियो भी ऑन है और नेट स्लो नहीं है।